अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आ गई हूँ आप सबके सामने एक और नया वीडियो लेके। तो आज का मेरा वीडियो ये आई मेकअप भी है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये शेड लूँगी क्रीज लाइन बनाने के लिए स्लाइड से ब्लेंडिंग ब्रश में, और यहाँ से मैं बिल्कुल लाइट सा आपको एक क्रीज लाइन क्रिएट करना है। देखिए, ये मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके का आई मेकअप। इस तरीके से कर लेना है। अब इसके बाद से मैं दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, और ये जो सेट है प्योन, ये सेट और ये सेट दोनों को मिक्स करके यहाँ से कॉर्नर से बिल्कुल कॉर्नर से लेते हुए दोनों साइड आपको करना है। देखिए, इस तरीके से आपको दोनों साइड में कर लेना है। इसके बाद से मैं अपना ये आई शेडो पैलेट लूँगी। इसके बाद से मैं इसमें जो मैजेंटा कलर है, ये सबसे पिंक डीप पिंक, ये शेड लूँगी थोड़ा, और इसमें थोड़ा पिंक का इफेक्ट दूँगी। ये देखें, इससे मैं थोड़ा सा पिंक देख सकते हैं, थोड़ा मैं डीप कर दूंगी, और इसे भी मैं यहाँ से ये देखें। फिर मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, और इससे जो मैंने सबसे पहले सेट जो लिया था, इसे मैं फिर से पिक करूँगी, और यहाँ के जो एजेस है, इसे मैं थोड़ी सी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इसी तरह साइज में भी करूँगी।
ये हो गया। अब इसके बाद से मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इससे मैं ये ब्लैक शेड जो मैट है, बिल्कुल मैट, मैं इसे बिल्कुल लाइट सा लूँगी और यहाँ से कॉर्नर से एक लाइन की तरह एक लाइन क्रिएट करूँगी। मुझे एक लाइन, हल्का सा एक लाइन क्रिएट करना है। इसी तरह अब यहाँ से मैं फिर से वो ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, उसमें फिर से मैं पिंक सेट, देखें फिर से मैं ये पिंक सेट ये लूँगी और यहाँ के एजेस को हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये डिफरेंट ना लगे। अब इसको फिर से मैं ये देखिए, देख रहे, अब फिर से मैं वो ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इससे कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से हल्का सा इसे सा टच दे दे, अपना क्लीन कर ले इसे। ओके, इसे मैं बाद में क्लियर करती हूँ। ओके, अब इसके बाद से मैं कट क्रीज बनाऊँगी। मैं स्विच ब्यूटी का ही कंसीलर ले रही हूँ। यहाँ से देखें, देखें इस तरीके से आपको कट क्रीज बनाना है। ये देखें, दोनों आइज में इस तरह कट क्रीज बना लेना है। इसके बाद से मैं मॉर्फी का जैकलिन हिल का पैलेट लूँगी, आई शेडो पैलेट। इसमें सीमर बहुत ही कमाल के दिए हुए हैं, तो मैं इसमें से थोड़ा सीमर मिक्स करके अप्लाई करूँगी। पहले सीमर में ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद से आपको आईज के नीचे भी इसी तरह सेम कर लेना है। ओके, आपके जो आईज के कॉर्नर हैं, जैसे मैंने ऊपर मेकअप किया है, बिल्कुल आपको नीचे भी इसी तरह थोड़ा सेट डाल देना है। ओके, मैं आपको करके दिखलाती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने इसमें आईलाइनर भी लगा दिया है। अब इसके बाद मैं ये सीमर डस्क ले रही हूँ, ये देखिए सीमर डस्क। अब इससे मैं ये जो शेड है बिल्कुल गोल्डन शेड में, इसे मैं थोड़ा अप्लाई कर देती हूँ। सीमर डस्क को बिल्कुल अच्छे से लगाएं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मैंने सीमर डस्क भी लगा दिया। अब इसके बाद से मैं आईलैशेस क्रिएट करके आपको दिखलाती हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये देखिए फाइनल लुक। तो आज का मेरा ये आई मेकअप लुक आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।